कैसे होगा? सेकंड देखो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सीलरेशन किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। अच्छा, पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तब एक्सीलरेशन किधर? तब भी जी नीचे ही तो लग रहा है, और फिर जब वापस नीचे आ रहा है तब भी जी नीचे ही लग रहा है। जी थोड़ी चेंज हो रहा है, जो फोर्स है अर्थ का वो नीचे खींच रहा है हमेशा, तो जी तो हमेशा नीचे लग रहा है। नेगेटिव में कितना कांस्टेंट है, चेंज थोड़ी हो रहा है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है? तो देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड ग्राफ, अगर मैं इधर टाइम ले लूं इधर एक्सीलरेशन ले लूं, तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है टाइम के साथ, टाइम 4 सेकंड तक ही है, इधर हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए वही डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी हम लोगों को। तीसरा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पार्टिकल ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पर था, ऊपर गया वापस यहीं पे आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो हुआ। ठीक है, लेकिन पार्टिकल पहले ऊपर गया, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे गया तब सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो देखो जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था तब डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स निकाल लो। एच मैक्स बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर बाय 2g। फॉर्मूला बताया था मैंने, यू कितना है आपका? 20 × 20 × 2 × 10, 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट पर जाएगा ये और फिर वापस से रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन बनाना चाहो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ 20t − 10t² ठीक है, 20t 2 5 10 − 5t² तो मैंने क्या बताया था, ये जब एक की पावर 1 हो दूसरी की पावर वेरिएबल की 2 हो तो पैराबोला बनता है। तो क्या बनेगा ये? ये बनेगा पैराबोला, सर्कल नहीं है, पैराबोला है। ठीक है, कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ना, क्योंकि वहीं पर तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है और यहां पे हाइट कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। ठीक है, इधर एस, इधर टाइम कितना हो जाएगा? 4 सेकंड। 4 सेकंड बाद वापस से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका? जीरो। तो एस टी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। किसी को डाउट है पूछ लो, कैसे बनेगा? चौथा ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? -2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी स्पीड हो सकती है क्या? स्पीड की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी नहीं। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम यहां पर डिस्टेंस लेते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो जीरो होगी या फिर जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, मैं जैसे यहां पर चला यूं करके फिर वापस ऐसे रिटर्न हो गया, तो मैं तो वापस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? उसी पॉइंट पे आ गया, तो वापस से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। लेकिन डिस्टेंस कितनी, मान लो 2 मीटर गया और 2 मीटर आ गया, तो 4 मीटर की डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, या तो जीरो होगी या फिर बढ़ेगी, माइनस कभी नहीं हो सकती। उसी तरह से स्पीड जो होगी वो भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था ऐसे करके कुछ। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? नेगेटिव, पार्टिकल ऊपर गया देखो, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? रिड्यूस हो गई, जीरो हो गई। फिर वापस से नीचे आया तो वापस से इसकी स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी इंक्रीज होगी नीचे की तरफ, या फिर बोल सकता हूँ स्पीड जो होगी वो बढ़ेगी इसकी। तो पहले इसकी स्पीड क्या होगी? घटेगी। जब नीचे आएगा तब उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या करना है? ये नेगेटिव जो वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो देखो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होगा?
नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव होगा। इधर स्पीड ले लो, इधर टाइम ले लो, ग्राफ पहले ऐसे आ रहा है, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, फिर वापस से इंक्रीज हो रही है। इसको घुमा दो उल्टा, ये टाइम कितना, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड जब वापस नीचे आएगा, ये टाइम कौन सा, जब वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो हो गई 2 सेकेंड। ये स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आई। मतलब वीटी ग्राफ को ही पॉजिटिव कर दो तो स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा, नहीं हो सकती। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो कैसे होगा, जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था उसी से बनेगा ये। डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आया था हमारे पास, एसटी ग्राफ कैसा आया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा कुछ आया था। यहां से क्या हो रहा था, वापस से डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था, ये कम नहीं होगा, ये अगेन बढ़ेगा। पकड़ के घुमा दो इसको ऊपर की तरफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, इधर स्पीड सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, देखो इधर टाइम, यहां तक तो ये बढ़ेगा, अब ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं होगा, वापस से इसको घुमा दो तो ऐसे बनेगा। आ रहा है समझ में, ये टाइम की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपने देखा था 20 मीटर की हाइट तक गया था, 20 मीटर गया था एक्चुअली, मैक्स 20 मीटर आया था, तो 20 मीटर ऊपर गया वापस 20 मीटर नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 40 मीटर, मैक्सिमम हाइट कितना था 20 मीटर, तो ये इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। आया समझ में, एनी डाउट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ये खत्म हो गया क्वेश्चन। एक्स टी ग्राफ है और ऐसा कुछ है, और एक और एक्स टी ग्राफ है। एक्स टी मतलब एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इधर टाइम, ये ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है। अब हमें एक्स टी ग्राफ से एक्सीलरेशन के बारे में पूछा कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखो अगर मैं यहां पे टेंजेंट बनाऊं, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या बताता हम लोगों को, वेलोसिटी। तो देखो यहां पर वेलोसिटी क्या आएगी, यहां पर स्लोप नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव, फिर इस पॉइंट पे बिल्कुल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, इस पॉइंट पे फिर वेलोसिटी पॉजिटिव होना स्टार्ट होगी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है सर, बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा ना, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ए क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। आई बात समझ में, इस वाले केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहां पर देखो पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, इस पॉइंट पे फिर स्लोप बनाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था जीरो हुआ फिर नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन लेस देन जीरो। आई बात समझ में। अच्छा आप लोगों ने ये देखा है, इस तरह से अगर मैं यहाँ पे दो आंखें बना दूं इस तरह से, तो ये हंस रहा है और ये रो रहा है। हंस रहा है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, और रो रहा है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। आई बात समझ में, यस सर। ठीक है, स्माइलिंग कर्व हो तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और रोने वाला फेस हो, क्राइंग फेस हो, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। ठीक है, इसको बना लो और देखो, जैसे मान लो मैंने तीन अलग अलग चार अलग अलग ग्राफ बनाए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, समझ में आ रहा है,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। या स्माइलिंग कर रहा है या रोने वाला है? स्माइलिंग सर, रोने वाला। रोने वाला, तो फर्स्ट के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? लेस देन जीरो। सेकंड वाले के लिए? रो रहा है। रोने वाला। लेस देन जीरो। थर्ड वाले के लिए? हंस रहा है। और फोर्थ वाले के लिए? हंस रहा है। और फिफ्थ वाले के लिए? हंस रहा है। फिफ्थ वाला हंस रहा है। फिफ्थ वाला इसी। चलो अब लिखो वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन पे क्वेश्चन। वेरिएबल एक्सीलरेशन, ठीक है, वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो कोई इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन से समझते हैं। अच्छा, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है? किसको नहीं आता डी इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में किस? सर मुझे तो इंटीग्रेशन समझते हैं आज लोग हम लोग, ठीक है। वेरिएबल एक्सीलरेशन पढ़ने से पहले तो डिफरेंशिएशन देखो। डिफरेंशिएशन बता देता हूं कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। जैसे y इक्वल टू कभी भी हो x की पावर n, y इक्वल टू क्या हो x की पावर n हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाय dx, ऐसे लिखोगे आप dx की पावर n बाय dx। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, n आगे आ जाएगा x की पावर n माइनस वन, ठीक है, आपका dy बाय dx हो जाएगा। ये फॉर्मूला है किसका? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लो चाहो तो आप, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। वाई इक्वल टू जैसे सपोज करो रूट एक्स है, तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब भी क्वेश्चन है तब उसकी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करा करो, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स की पावर वन बाई टू, वाई इक्वल टू एक्स की पावर वन बाई टू, डीवाई बाई डीएक्स क्या होगा, डीवाई बाई डीएक्स, आप चाहो तो ऐसे लिख दो डी एक्स की पावर वन बाई टू बाई डी एक्स, वन बाई टू आगे आ जाएगा और एक्स की पावर वन बाई टू, फॉर्मूला क्या बोलता है, पावर में से एक घटा दो, वन बाई टू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है। एक्स की पावर माइनस वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसको वन अपॉन टू एक्स की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं, और एक्स की पावर वन बाई टू क्या होता है रूट एक्स, तो इसको वन बाय टू रूट एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता है शायद। और थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं डिफरेंशिएशन के, एक और एग्जांपल ले लूं क्या? एक और एग्जांपल ले लो चाहो तो। क्या लोगे वाई नहीं, वाई इक्वल टू टी ले लेते हैं। टी की फॉर्म में आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, टी या वी, ठीक है। वी का वन बाय वी ले लो, चलो वाई इक्वल टू वन बाय वी, डी वाई बाय वी, डी वी फाइंड करना आपको, या फिर वी और टी की फॉर्म में ले लो, ठीक है। वी इक्वल टू जैसे आपको थ्री टी दे रखा है, वी वेलोसिटी इक्वल टू थ्री टी दे रखा है आपको, तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्या होता है? डीवी बाई डी टी क्या होता है? डीवी बाई डी टी आपका एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, याद है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड होगा, डी वी अपॉन डी टी डी थ्री टी बाय डी टी, थ्री क्या है कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट की आप टर्म बाहर आ जाती है, डी टी बाय डी टी बचेगा अंदर, और डी टी बाय डी टी क्या होता है वन, तो आंसर आएगा थ्री, ठीक है, आंसर आएगा थ्री। तो इतना सबको आता है, प्लस वन बाई टी स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, फाइंड डीवी बाय डीटी। तो डीवी बाय डीटी कैसे होगा, सबसे पहले इसको टी को ऊपर ले जाओ, ठीक है, इसको पहले सिंपलीफाई करो, टी की पावर माइनस वन, और ये हो जाएगा टी की पावर माइनस टू, डीवी बाय डीटी करेंगे, डीवी बाय डीटी डी टी की पावर माइनस वन बाय डीटी प्लस डी टी की पावर माइनस टू बाय डी टी, ठीक है।
अब क्या होगा, पहले पावर आगे आ जाएगी और एक पावर एन, एन कितना है यहाँ पे माइनस वन, ठीक है, तो माइनस वन इधर आ गया, टी की पावर, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला याद है ना, एक्स की पावर एन हो तो क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, जो भी पावर होगी उस पावर में से माइनस वन हो जाएगा, तो टी की पावर क्या है माइनस वन, तो माइनस वन में से माइनस वन हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है माइनस टू आ गया जाएगा, टी की पावर माइनस टू में से फिर माइनस वन हो गया, तो कितना आ जाएगा माइनस वन टी की पावर माइनस टू प्लस प्लस माइनस 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 टू टी की पावर माइनस थ्री, ठीक है रिद्धि बेटा देखो 6 मिनट बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन देखो बेटा, तो जो फॉर्मूला काम में आने वाला है वही बताऊंगा मैं बस, इंटीग्रेशन एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है किसका, जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं उसका रिवर्स है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सपोज करो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन का साइन होता है ये देखें, ठीक है, इस तरह का साइन होता है इंटीग्रेशन का, y और यहाँ पे जैसे dx वहां पे नीचे आता था मल्टीप्लाई में आएगा y डॉट dx, तो y कितना है आपका x की पावर n है, x की पावर n लिख दो इंटू dx, याद रखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर वेरिएबल भी आपका x होना चाहिए, dx आना चाहिए, t हो t की पावर n हो तो यहाँ पर dt आना चाहिए, है ना, कुछ जो भी हो वो यहाँ पर आना चाहिए, x की पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो यहाँ पर पावर माइनस होती थी, डिफरेंशिएशन में से पावर क्या होगी ऐड होगी, x की पावर n प्लस वन डिवाइड में क्या आएगा, वहां पर मल्टीप्लाई में आता था और पहले आता था, यहाँ पे प्लस होने के बाद आएगा n प्लस वन और प्लस का एक c भी आएगा, वैसे हमको c की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, फॉर्मूला लिख लो फटाफट जल्दी से, ठीक है, अब क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, जैसे मैंने बोला बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या करेंगे x का पावर 2 प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 प्लस वन प्लस सी, कितना हो जाएगा x का क्यूब बाय 3 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला याद रखो बस, अब देखो इसके बाद एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन उसमें क्या होता है बस लिमिट लगा देते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहां पे एक्स स्क्वायर का लिखा ना यहां पे, तो जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है कहां से कहां तक, 2 से लेके 5 तक, मान लो 2 से 5 तक मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें बस ये लिमिट लगा देते हैं, इसमें लिमिट नहीं रखती, ये इनडेफिनेट है, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट, और ये होता है आपका डेफिनेट, हमारे डेफिनेट ही काम आने वाला है लिमिट के साथ, तो 2 से 5 तक, तो देखो उसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, कितना आता है इसका, चाहो तो वापस लिख लो x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, अब याद रखो इसमें c नहीं आएगा, इसमें कॉन्स्टेंट नहीं आता, इसमें c आता है, इसमें c नहीं आएगा, और फिर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ एक, कहां से कहां तक, 2 से 5 तक, तो 2 से 2 इधर लिखो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और लिखो यहां पे 5, तो कितना हो जाएगा x की पावर x का क्यूब नीचे आ जाएगा 3, लिमिट कहां से कहां तक, 2 से 5 तक, ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, ये लिमिट क्यों दे रखी है, ये x की वैल्यूज है, x की वैल्यू 5 पुट करनी है एक बार, और एक बार 2 पुट करनी है हम लोगों को, तो आप चाहो तो एक जो कांस्टेंट है 1/3, इसको 1/3 को आप बाहर निकाल सकते हो, तो खाली x क्यूब लिख सकते हो, x क्यूब की पावर
टू से फाइव तक। अब मैं क्या करूंगा, एक बार x की जगह फाइव रखूंगा और एक बार x की जगह टू रखूंगा, तो क्या होगा वन बाय थ्री, एक बार x की जगह फाइव, फाइव का क्यूब हो जाएगा ना, ये अपर लिमिट है। अब हम लिखेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट को लिखने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा आपको, इनटू टू का क्यूब, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा वन बाय थ्री, फाइव का क्यूब होता है 125, टू का क्यूब होता है 8, 125 माइनस 8 सॉल्व कर लेना, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, नॉइस भी बहुत आ रही है अब।